कई बार की डेडलाइन के बाद भी सामने घाट पुल अभी भी नहीं बन पाया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ बनारस आए थे तो उन्होंने स्वयं रामनगर को बनारस से जोड़ने वाले सामने घाट पुल का दौरा किया था और अधिकारियों को 27 जून तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सीएम द्वारा दी गई यह तारीख बीत गई। इसके बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका। इसके बाद राज्य सरकार और अधिकारियों की काफी फजीहत हुई थी। ऐसे में एक बार फिर सीएम योगी बनारस आ रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सामने घाट पुल बनने में और कितना समय लगेगा। इस बात की हकीकत जानने के लिए जब हमारी टीम ने उस पुल का दौरा किया और पुल के निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि अभी लगभग 45 दिन और लगेंगे, इसके बाद हमारी टीम ने रामनगर और बनारस रोज आने जाने वाले लोगों से बातचीत किया। इसमें लोगों ने कहा कि इस पुल के निर्माण में हो रही देरी से हम लोगों को 8 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। अधिकारियों को सख्त निर्देश कुछ देना चाहिए था, ये तो बनना करना पड़ेगा उनको, क्योंकि समय सीमा जब निर्धारित खत्म हो जाती है तो जनता का विश्वास हो जाता है जनता के मन में, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से उसने 27 तारीख को टाइम दिया हुआ था तो उस समय के अनुसार पुल का निर्माण हो नहीं पाया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मन में अविश्वास पैदा हुआ है। We'll be right back.